हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एनटीआर कोचिंग क्लासेस। आप थंबल देख समझ ही चुके होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का प्रथम नियम। मैं आज इसके बारे में बताऊं कि ये होता क्या है, समझ सकते हैं आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग बना लेनी है न्यूटन का प्रथम नियम। देखिए मैंने अब बना रखी है न्यूटन का प्रथम नियम का जड़त्व का नियम है। पहला जो नियम है न्यूटन का वो है जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कैसे इसे लिखेंगे आसानी से। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम था वह जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती रहेगी और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। यानी कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु चल रही है, यानी कि हम लोग कोई सी भी ट्रेन वगैरह है वो चल रही है तो चलती ही रहेगी। ठीक है, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है जैसे कि किसी को डब्बा पर रख देते हैं हम लोग, किसी भी प्रकार डब्बा जैसे हमने यहाँ पर रख दिया कुछ ऐसे करके, देखिए यहाँ पर हमने ऐसे कोई डब्बा रख दिया, वो ऑटोमेटिक तो नहीं चलने लगेगा ना, अपने आप नहीं चलेगा। तो वो जब कोई तक उसको कोई बाहर से बल्ला लगाए तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही कह रहा कि रुकी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल्ला लगाए, यानी कि बाहर से कोई फोर्स ना करे उस पर। ठीक है, तो इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण होता है कि प्रत्येक अवस्था मतलब कि प्रत्येक वस्तु जो होती है वो अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण रखती है। इस गुण को जड़त्व का नियम तथा इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, इस अतः प्रत्येक वस्तु में अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण होता है। इस गुण को जड़त्व तथा इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इतना सिंपल और आसान है, बस आपको समझने दे रहा है, फिर तो आप बना के लिख सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।